नमस्कार, आप देख रहे क्राइम तक, मैं हूँ अश्विनी सिंह। कोलकाता डॉक्टर केस को लेकर कुछ ना कुछ अपडेट सामने आता है। इसी कड़ी में आपको हमने बताया था कि सीबीआई ने अपना नया स्टेटस रिपोर्ट सबमिट किया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई थी। इसके साथ ही एक पीड़ित के जो परिवार है उन्होंने एक लेटर सौंपी थी जिसमें कुछ ऐसा लिखा था जिसे लेकर सीबीआई ने अपना जाँच का दायरा फैला दिया और जाँच में नए नए लोगों के नाम सामने आने लगे। इसी कड़ी में आपको बता दें कि सीबीआई ने हाल ही में संदीप घोष और अभिजीत मंडल, जो ताला पुलिस स्टेशन के एसएचओ थे, उन्हें गिरफ्तार किया था, जिसके बाद नए सीपी जो होते हैं मनोज वर्मा, उन्होंने अभिजीत मंडल को सस्पेंड कर दिया। यहां तक कहानी आपको पहले भी बताई, लेकिन अब ताज़ा अपडेट ये है कि पीड़ित डॉक्टर के जो पिता हैं उन्होंने नया खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि साल 2021 में आर्जिकर अस्पताल में कुछ ऐसी चीज़ें वहां पर दी गई थी, कुछ ऐसे कंप्लेन दिए गए थे, अगर उस पर कोई एक्शन लिया गया होता, उस पर कोई कार्रवाई की गई होती, तो आज उनकी बेटी के साथ जो हुआ था वो बहुत मुमकिन है कि वो बेटी के साथ नहीं होता और आज वो बेटी उनके बीच जिंदा होती। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से इस केस को लेकर कार्रवाई हो रही थी, इसमें सामने आता है कि एक लेटर पेरेंट्स की ओर से सौंपी गई थी जिसमें कई चीज़ों का खुलासा हुआ था, कई चीज़ों का जिक्र हुआ था। आने वाले टाइम में बहुत मुमकिन है कि सीबीआई किसी बड़े अफसर या बड़े लोगों को भी इस केस को लेकर अरेस्ट कर सकती है। लेकिन आपको बता दें कि जब जाँच हो रही थी तो इसमें ये जिक्र किया गया कि ताला पुलिस स्टेशन का 9 अगस्त और 10 अगस्त का सीसीटीवी फुटेज भी मांगा गया है। जिस तरह से अभिजीत मंडल का जो रोल था, जिस तरह से उन्होंने लेट किया चीज़ें और एविडेंस से छेड़छाड़ करने का भरपूर मौका दिया, तो इसी कड़ी में जाँच आगे बढ़ती है और सीडीआर खंगाली जाती है जिसमें अभिजीत मंडल और संदीप घोष का बातचीत सामने आता है, जिसे लेकर अब सीसीटीवी के जरिए जांच आगे बढ़ रही है। फिलहाल पीड़िता के जो माता पिता है उन्होंने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि साल 2021 में उस आर्जिकर अस्पताल में बतौर कंप्लेन गया था। इस कंप्लेन में सारी चीज़ें लिखी गई थी और ये कंप्लेन किसी और के खिलाफ नहीं था, बल्कि पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के ही खिलाफ था और उस लेटर में कई ऐसी चीज़ों का जिक्र किया गया था जो अस्पताल के प्रशासन के लोगों को बेहतर पता था, लेकिन फिर भी लोग चुप्पी साधे हुए थे। कई बार आपको बताया कि बहुत सी चीज़ें उस अस्पताल में गलत हो रही थी, जिसे लेकर कई डॉक्टर हैं, जो ट्रेनी डॉक्टर हैं चाहे इंटर्न्स हैं, अपना मुँह बंद रखते थे, लेकिन उसमें से कुछ लोग थे जो चुपचाप इन चीज़ों को लेटर के जरिए कंप्लेन किया करते थे, लेकिन उनका मानना है कि इस लेटर पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है और अगर ये कार्रवाई साल 2021 में यानी आज के 3 साल पहले होती तो हो सकता है कि संदीप घोष के खिलाफ जो आरोप लगे हैं, जिस तरह से उनका रोल संदिग्ध नज़र आया था इस केस में, पहले आपको बता दें कि संदीप घोष की गिरफ्तारी जो हुई थी वो इनकी जो संपत्ति ये सब है उसको लेकर हुई थी, लेकिन इसके बाद हाल ही में सीबीआई ने दोनों की गिरफ्तारी इस बेस पे किया कि दोनों के सीडीआर सामने आते हैं जिसमें अभिजीत मंडल और संदीप घोष के बीच बातचीत है। यानी कोर्ट ने यह भी माना था कि जिस तरह से ये दोनों की बातचीत है और 9 अगस्त की बातचीत है, तो बहुत मुमकिन है कि वहाँ पर कोई स्टोरी कुक की जा रही थी और यही दर्शाता है जिस तरह से उनके एविडेंस सामने आते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि पीड़ित के माता पिता सामने आए जिसमें उन्होंने कहा कि साल 2021 में आर्जिकर अस्पताल में बकायदा एक कंप्लेन दिया गया था। ये लिखित नोट था जिसके बाद उनसे कार्रवाई करने की बहुत बार डिमांड की गई थी, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। यहाँ तक कि उन्होंने आगे ये एलिगेशंस लगाए कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक भी बात गई थी, लेकिन उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। यानी उस अस्पताल में आज से नहीं, बहुत पहले से ही उस अस्पताल में कुछ काला चीज़ चल रहा था, कुछ तो गलत चल रहा था जिसकी भनक लग गई थी लोगों में, लेकिन फिर भी उस पर कोई एक्शन नहीं होता, जिसकी वजह से ये पीड़ित जो डॉक्टर के पिता है वो कहते हैं कि आज अगर बेटी, हो सकता है कि साल 2021 से उस कंप्लेंट पर अगर एक्शन लिया गया था तो आज उनकी बेटी उनके बीच मौजूद होती। हालांकि आपको बता दें कि संदीप घोष पर कई आरोप लगे, पहले तो वहाँ पर अस्पताल में गलत काम करने के लगे, उसके बाद शव को लेकर कुछ मामला सामने आया जिसमें हर तरह की जांच की जा रही थी, लेकिन इसके बाद इसी बीच सीबीआई को कुछ पुख्ता सबूत लगता है जिसके बाद
सीबीआई संदीप घोष को भी अरेस्ट करती है। और जिस तरह से माता पिता का एलिगेशन है और जिस तरह से माता पिता ने ये डिमांड किया था, आपको याद होगा कि उन्होंने एक लेटर सीबीआई को भी सौंपी थी जिसमें उन्होंने बकायदा अपना ब्यौरा लिखा था कि 9 अगस्त के दिन जब वो अस्पताल में थे तो उन्होंने सेकेंड ऑटोप्सी की भी डिमांड की थी जिसे संदीप घोष और अभिजीत मंडल होने नहीं दिए। यानी ये साफ था उनका कि जल्दी जल्दी बॉडी को क्रीमेट किया जाए ताकि वहाँ से जो भी एविडेंस है, क्योंकि बॉडी जब तक है ये आपके पास अपने आप में बड़ा सबूत था, जिसे बखूबी अभिजीत मंडल और संदीप घोष उसे क्रीमेट करके जल्दी से वहाँ से हटाना चाहते थे, जिसकी वजह से उनके वो जो चाह रहे थे, जो चीज़ों का वो खुलासा नहीं चाहते थे, आखिरकार वो उसमें सफल होते हैं जिसके बाद वो जल्दबाजी में ये सारी चीज़ें कराते हैं और ये एलिगेशंस उनके पिता लगाते हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि ये सारी चीज़ें उस दिन हुई थी, कई चीज़ों का उन्होंने डिमांड किया था लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई, जिसके बाद इस तरह से ये मामला सामने आया था। फिलहाल आपको बता दें कि अभिजीत मंडल और संदीप घोष और संजय रॉय ये तीनों कस्टडी में हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि जैसे ही नए सीपी आते हैं तो अभिजीत मंडल को पहले तो गिरफ्तारी होती है लेकिन इसके बाद उन्हें पुलिस से भी सस्पेंड कर दिया जाता है। और जिस तरह से ताला पुलिस स्टेशन का सीसीटीवी मांगा गया वो अपने आप में गंभीर सवाल खड़ा करता है कि एक पुलिस स्टेशन का अगर सीसीटीवी मांगा जाए तो ये क्यों, क्या होगी वजह और किस तरह से वहाँ पर हलचल हो रही थी, क्या अभिजीत मंडल ने और कुछ किया और उस ताला पुलिस स्टेशन में कौन कौन गया था उस दिन, ये सभी रहस्य खोलने के लिए और इस सभी रहस्य को जांच पड़ताल करने के लिए अब सीसीटीवी मांगा गया है, जिसमें आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि सीबीआई बड़े खुलासा करे।